तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कैसे आप लोग एडवांस सर्वर को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे ओपन कर सकते हो, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग साइट को ओपन करना चाह रहे हो तो साइट ओपन नहीं हो रहा है, तो गाइस मैं पहले बता चुका हूँ, साइट को ओपन करने के लिए आप लोग को वीपीएन लगाना पड़ेगा क्योंकि अपना फ्री फायर इंडिया आने वाला है, जिसके कारण से हमें यहाँ पे एडवांस सर्वर नहीं मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे सिंगापुर सर्वर से कनेक्ट करके वीपीएन लगा के आप लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हो साइट को और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मतलब आप लोगों को करना क्या है, वीपीएन लगा लेने, उसके बाद इस साइट पे जाना है। और आप लोगों को यहाँ पे मैं देख सकते हो, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको गूगल से लॉग इन कर लेना है। अगर आपको गूगल से लॉग इन करने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपका लॉग इन नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो के एंड में आप लोगों को एक वीडियो मिलने वाला है, वो वीडियो देख लेना, पूरा सेटअप बताया। क्योंकि भाई इस वीडियो में बताता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, तो आप लोगों ने कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो वो वीडियो जरूर से देख लेना। तो गाइस डाउनलोड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 7/6/2024 लिखा हुआ है, मतलब 7 तारीख को ये डाउनलोड होने वाला है। तो अभी डाउनलोड नहीं होगा तो गाइस मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिंक देने वाला हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे 7 तारीख का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को अपने क्या करना है, कॉमेंट में चले जाने, कॉमेंट में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपने पेज पे आ जाना है। और यहाँ पे आप लोगों को ये देख सकते हो ये लिंक मिल रहा है, सिंपली इस लिंक पे यहाँ पे आपको टैप कर देना है। जैसे आप लोग टैप करोगे यहाँ पे देख सकते हो आपको डाउनलोड बटन शो हो जाएगा। तो मुझे 920 MB का यहाँ पे डाउनलोड होने वाला है, तो फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं। मैं डाउनलोड को यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, तो यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा डाउनलोड होने ही वाला है, और जैसे ये डाउनलोड हो जाता है आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा का पूरा वीडियो देख लेना, वरना भाई आपका ओपन नहीं होगा। तो जैसे आपका डाउनलोड हो जाता है आप लोगों को सिंपली इस पे टैप करना है, और टैप करने के बाद इसको यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्री फायर इंडिया का ही यहाँ पे लोगो दिया गया है एडवांस सर्वर पे। तो गाइस यहाँ पे चलिए इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ओपन का आ चुका है, अब ओपन हो चुका है, तो ओपन हमने कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो ओपन होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक प्रॉब्लम आने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आएगा। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेना है। यहाँ पे एक अलाउ का मांगेगा कि आपको पेज को अलाउ कर देना है यहाँ पे, और अलाउ करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को गेस्ट पे क्लिक करना है। सिंपली टाइप करोगे गो के करके यहाँ पे यूज दिस फोल्डर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अलाउ कर देना है। जैसे आप लोग अलाउ करोगे आप लोगों का यहाँ पे ओपन होने वाला है, लेकिन आप लोगों एक यहाँ पे देख सकते हो नेम डालने का आ जाएगा, सब कुछ आपको बिगिनर वगैरह यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो आप लोगों को फटाफट से कर देना है, आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे टेंशन वेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बिगिनर कर देना है, इसके बाद अपना नेम डाल देना है, यहाँ पे कुछ भी आप लोग नेम डाल सकते हो, जो भी अपना नेम रखना चाहते हो वो डाल देना है। भाई वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, कोई भी आप लोगों को डायरेक्ट लिंक नहीं दे रहे, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपको सब कुछ बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो जी यहाँ पे देख सकते हो नाम वगैरह हमने डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे ओपन होने वाला है। तो ओपन होने में यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, आप लोगों को देख सकते हो कि यहाँ पे आ रहा है दिस रीगन इज नॉट अवेलेबल। तो मैं आपने रीगन के लिए नहीं आपको पता है, तो आप लोगों को यहाँ पे वीपीएन को लगा के रखना है, ठीक है। मतलब आप लोगों को अगर वीपीएन नहीं लगाया हुआ है तो दोबारा से वीपीएन लगा लेना है, और वीपीएन में आप लोगों को सिंगापुर सेलेक्ट कर लेना है, या आप लोग यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीपीएन लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। मतलब ओपन नहीं होगा जब तक आप लोग वीपीएन नहीं लगाओगे। वीपीएन लगाने के बाद आप लोगों को एक्टिवेशन कोड डालने का आ जाएगा, उसके बाद आपको एक्टिवेशन कोड डालना है। तो एक्टिवेशन कोड कैसे मिलेगा ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है। आप लोगों को अगर नहीं पता है भाई एक्टिव नहीं हो रहा है, आप लोगों को गूगल से लॉग इन नहीं हो रहा है, तो एंड स्क्रीन में यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, वो देख लेना। तो यहाँ पे एक्टिवेशन कोड का आएगा, आप देख सकते हो ओके करने के बाद यहाँ पे एक्टिवेशन कोड आ चुका है, और यहाँ पे आपको एक्टिवेशन कोड डाल देने, उसके बाद ओके करके ओके कर देना, आप लोगों का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो जा रहे हैं देख लेना, एक्टिवेशन कोड में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये वीडियो देख लेना, इसके साथ वो प्रॉब्लम आ रहा है तो वो वीडियो देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना।